एवरीवन, मैं आज आपके लिए टू टाइप्स की प्रोटीन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फर्स्ट रेसिपी है हमारी स्प्राउट्स के साथ, जिसको मैंने मूंग के स्प्राउट्स बनाए हैं जो कि सुपर हेल्दी सुपर यमी होंगे। एंड सेकंड रेसिपी है हमारी किडनी बीन्स विद कॉर्न्स, जो कि हेल्दी भी रहता है और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपको डाइटिंग में भी काफी हेल्दी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों तरह की हमारी सैलेड्स बनाना। ये देखिए, स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने मूंग को एक दिन पहले भिगो के रख दिया था ओवरनाइट, और फिर मैंने इसको अभी बांध के रख दिया, और फिर थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी में हम इनको बॉईल कर लेंगे, तो ये ऐसे हमारे स्प्राउट्स आ जाएंगे। अब मैं इसके अंदर एक एक करके हमारे वेजिटेबल्स डाल दूंगी। ये मैंने कुकुम्बर ले रखा है, इसको फाइनली चॉप कर लिया है, थोड़ा सा फाइनली चॉप अनियन। ये इतनी हेल्दी डिश बनती है कि आप अगर इसको आप लंच में खा लेंगे तो अब हमें और कुछ खाने की नीड नहीं होगी। हल्का टमाटो, ये मेरे पास कुछ कैरेट्स और येलो बेल पेपर्स हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ ताकि हमें और भी ज़्यादा स्टफ हो जाए हमारे ये टमी के लिए। थोड़ा सा ये मैं पुदीना और मिंट लीव्स डाल दूंगी, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और गर्मियों में तो इतना अच्छा पुदीना आ रहा है, तो आप इसको खाएंगे तो काफ़ी अच्छा हमें स्टमी जो है हमारी काफ़ी अच्छी रहती है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा हमारा सॉल्ट, थोड़ा हमारा ये ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर, ये देखिए थोड़ा सा चाट मसाला। अब मैं इसको ऐसे मिक्स करूंगी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अगर हमें डाइटिंग भी करनी है तो हमें डाइटिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ भी नहीं खाना, हम ये स्प्राउट्स की चाट बना के खा सकते हैं। मैंने इसमें खाली होल मूंग ले रखे हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर मोठ भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं। आप बस दो दिन पहले इनको भिगो दीजिए, फिर एक कपड़े में इनको बांध के रख दीजिए, तो ये हल्का हल्का इनके में स्प्राउट्स आ जाता है, ये देखिए। अब मैं इसको थोड़ा सा टैंगी टेस्ट बनाने के लिए ये लेमन का जूस डाल देती हूँ। आप लेमन का जूस अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा खट्टा भी ले सकते हैं। और ये हमारी झटपट देखो तैयार भी हो गई है, इसमें ना तो हमें टाइम लगता है, अगर हमें ऑफिस भी जाना है कहीं भी जाना है तो हम ये बनाकर अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। ये पूरा हमारा टमी फिलिंग होता है, होल मील रहता है ये हमारा। अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए ये मेरे पास पोमोग्रेनेट के सीड्स हैं, ये डाल देती हूँ। ये देखिए हमारी ये स्प्राउट्स की जो चाट है, सैलेड है, ये रेडी हो गई है। और थोड़ा सा मैं ऊपर से ये धनिया डाल देती हूँ। सो देखिए ये हमारी स्प्राउट्स चाट रेडी हो गई है। टुडे वी आर मेकिंग किडनी बीन सैलेड। ये देखिए मैं किडनी बीन सैलेड के लिए मैंने यहाँ पे किडनी बीन्स को एक दिन पहले सोक करके रख दिया था, और फिर अब मैंने इसको हल्के से नमक में यहाँ पर बॉईल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मेरे पास कुछ स्वीट कॉर्न्स हैं, ये ऐड कर देती हूँ। ये मेरे पास कुछ रॉ मैंगो और टमाटोज हैं, रॉ मैंगो से काफी अच्छा फ्लेवर आता है और समर्स में तो रॉ मैंगो इतना आ रहा है तो ये काफी हेल्दी रहता है और चटपटा भी टेस्ट आ जाएगा इससे। ये मेरे पास कुछ एवोकाडोज हैं, ये भी डाल देती हूँ। कुकुम्बर, जो कि हर सैलेड की जान होती है। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो भी ये सैलेड बना के खा सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें फैट हो। ये रेड अनियंस, और ये कैरेट्स। और मिंट लीव्स, धनिया पत्ती गार्निशिंग में काफी अच्छा लुक देता है, मिंट लीव से काफी ठंडा हमें मिलता है। अब मैं इसमें कुछ सीजनिंग कर देती हूँ।
ये है हमारा क्यूमिन सीड, रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर। मैं यहाँ पे बॉटल ले रही हूँ, इसमें मैं ये थोड़ा सा नमक, ये ब्लैक सॉल्ट, मैं इसी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ एंड सम लेमन जूस। अब मैं इसको ऐसे अच्छे से शेक कर लूंगी ताकि हमारा जो ऑयल है उसमें सारे सॉल्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अब मैं इसको इसमें ऐसे ये देखिए ड्रिजल कर देती हूँ। अब इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। किडनी बीन्स में इतना प्रोटीन होता है और इसके साथ अगर हमने स्वीट कॉर्न मिला दिया तो ये वैसे ही बच्चों की भी फेवरेट हो गई। ऐसा भी नहीं है कि हमारे किड्स नहीं खाएंगे, और एडल्ट तो इसको खा ही सकते हैं इजीली, और काफी अच्छी हमारे लिए स्टमक फिलिंग हो गई है। अगर हमें लंच नहीं करना या अगर हमें डिनर नहीं करना तो हम उनके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ये सैलेड रेडी हो गई है।